मेरे पापा कोरोना से डेथ कर गए, इसीलिए हम लोग के यहाँ रहने का भी साधन नहीं है। बारिश के दिनों में दिक्कत होती है हम लोगों को, इसीलिए इंदिरा आवास के लिए सरकार से गुहार लगाने आए हैं। नहीं चाहेंगे कि जो हम लोग मांगने आए हैं वो हम लोग को भी पूरा करें। अगर हम लोग उनका साथ देते हैं तो वो भी हमारा साथ दें। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। देखिए, अभी हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के बाहर हैं। सोमवार है आज, और आज के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं। आपको बता दें, बहुत दिन बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लग गया है, और तमाम जो फरियादी हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने आए हैं, जनता दरबार को लेकर अपना फरियाद सुनाने आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम फरियादी का फरियाद सुनते हैं और वहीं उस फरियाद का निराकरण करते हैं। वहीं आपको बता दें, तमाम अनेक मुद्दा को लेकर जो फरियादी हैं वो आते हैं मुख्यमंत्री से मिलते हैं। कुछ फरियादी आए हैं पटना के नया चक से आए हैं। क्या मामला है आपका और क्या नाम है? मेरा नाम सरिता कुमारी है और मैं इंदिरा आवास के लिए आई हूँ। और मेरे पापा कोरोना से डेथ कर गए, इसीलिए हम लोग के यहाँ रहने का भी साधन नहीं है। बारिश के दिनों में दिक्कत होती है हम लोगों को, इसीलिए इंदिरा आवास के लिए सरकार से गुहार लगाने आए हैं। आप लोगों ने अप्लाई किया था? नहीं, हम लोग को उतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया था। यहाँ पे आने से पता चला कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है तभी कुछ होगा, बट हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं। क्या कहिएगा नीतीश कुमार से? क्या हम लोग मांग रहे हैं भिक्षा पैसा, जैसे सब मांग रहे हैं वैसे हम मांगे आए हैं नीतीश कुमार से, मदद मांगने आए हैं। बहुत दिक्कत है। मेरा पति गुजर गया था, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। वो देखिए, हम लोग इतना ही चाहेंगे कि जो हम लोग मांगने आए हैं वो हम लोग को भी पूरा करें। अगर हम लोग उनका साथ देते हैं तो वो भी हमारा साथ दें। घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर में 3 भाई हैं और 1 माँ है, 1 मैं हूँ और भाभी है। मतलब बड़े भाई का शादी हो चुका है, पापा रहे नहीं। बिल्कुल, देख सकते हैं नया चक से ये लोग आए हैं। इंदिरा आवास का जो लाभ है इन लोगों को नहीं मिला है। देखिए, इन लोगों ने अप्लाई नहीं किया था, इन लोगों को आइडिया नहीं था, हम पता नहीं था, इसलिए देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में वही लोगों को जाने मिलता है जो लोग पंजीकरण करवाते हैं। वहीं बहुत समय लग जाता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पंजीकरण करवा लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2 महीना 3 महीना या फिर 4 महीना भी बीत जाता है लेकिन नहीं जा पाते हैं। अब देखना ये होगा कि इनका फरियाद कब तक बिहार के मुख्यमंत्री सुनते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार फरियादी आते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बहुत सारे ऐसे भी फरियादी रहते हैं जो नहीं मिल पाते हैं। इंदिरा आवास योजना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये मिलने आई थी लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन लोगों को नहीं मिलने दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।